बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट ए कॉमा जीरो एंड देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू द पॉइंट ए कॉमा ए द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल इज। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट होगा वर्क डन। सो हमें क्वेश्चन में कह रहा है हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस। सो हमारे को बोला है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड देन वो अलोंग द एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है टू अ पॉइंट ए कॉमा जीरो और उसके बाद वो जाता है वाई एक्सिस के पैरेलल टू पॉइंट ए कॉमा ए। सो इस पाथ के अलोंग हमारे को हमको जो फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन फाइंड करना है। सो फोर्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी ये हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी के लिए डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और हमारा जो वर्क डन होगा स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सो वाई डी एक्स और एक्स डी वाई दोनों प्लस में दिया हुआ है तो इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं माइनस के इंटू डी ऑफ एक्स वाई। सो अब वर्क डन लिखते हैं। सो वर्क डन लिखने के लिए हमें क्या करना है डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी ऑफ एक्स वाई इसके दोनों साइड पे हमें इंटीग्रेशन करना है तो इधर जीरो से डब्ल्यू हो जाएगा एंड इधर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ए कॉमा जीरो से ए कॉमा ए तक। तो के वाला जो टर्म है वो तो बाहर आ जाएगा माइनस के वाला टर्म क्योंकि कांस्टेंट है। सो अंदर बचेगा एक्स कॉमा वाई एंड इसका लिमिट हो जाएगा ए कॉमा ए से ए कॉमा जीरो तक। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस ऑफ के इंटू ए स्क्वायर। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर माइनस ऑफ के इंटू ए स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।